वेलकम दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था पैकेज एयर कंडीशनर जो रहता है उसके अंदर एचपी और एलपी प्रेशर स्विच रहता है, उसका वायरिंग किस तरह से रहता है, कहाँ पर कौन सा वायर जाता है, कैसे वर्क करता है, कैसे रिसेट करेंगे, मैनुअल ऑन ऑफ क्या रहता है। तो ये वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं, एचपी और एलपी प्रेशर स्विच के बारे में, इसका पूरा वायरिंग जानेंगे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली के माध्यम से। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अभी हम आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, ये पैकेज एसी है। पैकेज एसी का कंट्रोल मेन जो कंट्रोल स्विच रहता है एचपी एलपी स्विच, यानी कि एचपी एलपी स्विच से होकर के हमारा कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है ये सब ऑन होता है। तो इसका कैसे हम चेक करेंगे हमारा जो है एचपी एलपी स्विच सही है, ये देख सकते रहेंगे। ये जो हमारा है एचपी स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंप्रेसर का है, ये कंप्रेसर का है, ये जो सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन है, ये देख सकते हैं कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है, और ये यहाँ पर जो है लगा हुआ है एचपी स्विच, ये देख सकते रहेंगे। उसके बाद हम दिखा देते हैं आपको एलपी स्विच जो लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ पर बैक साइड में लगा हुआ है, ये देख सकते रहेंगे। ये जो हमारा है ये हमारा एलपी स्विच है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है यहाँ पर लिक्विड लाइन में लगा हुआ है, ये फिल्टर ड्रायर के पहले लगा हुआ है, फिल्टर ड्रायर का जो लाइन आता है यहाँ देख सकते रहेंगे ये लगा हुआ है, ये हमारा एलपी स्विच है। एलपी स्विच जो रहता है हमारा लिक्विड लाइन में लगा रहता है क्योंकि लो प्रेशर स्विच के लिए जाता है, ये लाइन में देख सकते हैं लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलपी स्विच जो है हमारा लो प्रेशर में लगता है और एचपी स्विच जो है हाई प्रेशर के लाइन में लगता है कंप्रेसर के। जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा जो है कंप्रेसर है, ये थ्री फेज का कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर यहाँ पर लगा हुआ है किस तरह से आप देख सकते रहेंगे, ये डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ है, ये डिस्चार्ज लाइन में एचपी स्विच है और एलपी स्विच। तो इसको हमें कैसे चेक करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, कब ये वर्क करता है। नॉर्मल जो हमारा एचपी स्विच हम कहते हैं, जो एचपी स्विच रहता है हाई प्रेशर के लिए स्विच रहता है, कटआउट रहता है, यानी कि एचपी स्विच जो है जब प्रेशर हाई हो जाएगा, जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है कट ऑफ कर देगा, यहाँ से पावर जो है बंद कर देगा, जिससे हमारा कंप्रेसर पे सिस्टम पे यूनिट पे कोई सा भी प्रभाव ना हो, यानी कंप्रेसर वगैरह हीट ना हो, कूलिंग में प्रॉब्लम ना हो, या कोई उपकरण जो है जलने से बच जाए, ख़राब होने से बच जाए। ये हाई प्रेशर होता क्यों है, हाई प्रेशर जब होता है या तो हमारा जो कंडेंसर फैन है, यहाँ पर देख सकते रहेंगे, या तो हमारा ये जो कंडेंसर फैन है ये नहीं चलेगा, या फिर हमारा जो है कंडेंसर कॉइल ब्लॉकेज रहेगा, ख़राब रहेगा, डस्टी रहेगा, वो कंडीशन में हाई प्रेशर रहेगा, या गैस ज़्यादा रहेगा और कंडीशन में हाई प्रेशर हो जाएगा, या और भी बहुत से कारण होते हैं जो हाई प्रेशर होता है, उसका हमारा डिटेल्स में दूसरा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो में हम बताने वाले हैं एचपी स्विच जो है हमारा हाई प्रेशर पर ही वर्क करता है। हाई प्रेशर जब ज़्यादा प्रेशर, यानी कि 400-420 से ज़्यादा प्रेशर रहेगा इसमें, 450 के लमसम रहता है, कोई कोई 420 रहता है, लेकिन अलग सेटिंग रहता है, लेकिन एग्जांपल आप मान लीजिए 400-450 के ऊपर ही जाएगा प्रेशर जाएगा, तो एचपी स्विच जो है यहाँ से पावर कट ऑफ कर देगा, पावर जो है ट्रिप कर देगा, यहाँ से जो पावर ट्रिप कर देगा, तो कंप्रेसर के कॉइल को पावर जाता है, ये देख सकते रहेंगे कंप्रेसर का जो कॉइल को पावर जाता है वो पावर नहीं जाएगा, जिससे हमारा सेफ्टी डिवाइस कह सकते हैं एचपी स्विच एक सेफ्टी डिवाइस है, कंप्रेसर वगैरह सर्किट वगैरह जलने से ख़राब होने से हमारा बच जाएगा। उसी तरह से जो हमारा एलपी स्विच लगा रहता है, जो आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर ये जो हमारा एलपी स्विच लगा हुआ है, ये एलपी स्विच का काम क्या रहता है देख सकते रहेंगे, एलपी स्विच का काम हमारा रहता है ये लो प्रेशर, यानी कि गैस, यानी कि लो प्रेशर होना। लो प्रेशर कब होता है सिस्टम में, या तो हमारा जो गैस वगैरह जो है कम हो गया है, एलपी स्विच जो है गैस अगर हमारा कम हो गया, यानी कि 35 PSI से कम हो जाएगा, तो उसे कंप्रेसर पे प्रभाव होगा, कूलिंग नहीं होगा, आइस आएगा और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, तो वो कंडीशन में हमारा एलपी स्विच जो है ब्रेक कर देगा, पावर को ऑफ कर देगा, उसका कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, वो ट्रिप कर देगा, दोनों में से पावर जो है ये देख सकते हैं, ये जो दो वायर आता है हमारा एलपी स्विच के लिए आता है और ये ब्लैक वायर जो है एचपी स्विच के लिए, तो इसका जो पावर आता है ये हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ से ब्रेक कर देगा,
पावर हमारा ब्रेक कर देगा, जिससे हमें यहाँ पर कॉइल पर कंटेक्टर को जो है पावर नहीं आएगा और हमारा सिस्टम बच जाएगा, यानी कि आइस वगैरह नहीं आएगा, एलपी स्विच से जो भी प्रॉब्लम होने वाले हैं इसका भी दूसरा हमारा स्पेशल वीडियो है तो आप देख सकते रहेंगे, यानी कि एलपी स्विच से भी बच जाएगा। यानी कि ये जो स्विच रहता है एचपी एलपी स्विच है, एक सेफ्टी डिवाइस लगा रहता है हमारे एसी में सिस्टम में कोई सा भी लगता है एचपी एलपी स्विच। एचपी स्विच हाई प्रेशर पर वर्क करता है, एलपी स्विच लो प्रेशर पर वर्क करता है। इसको चेक कैसे करते हैं, इसको हमें चेक करने के लिए कंटिन्यूटी से हमें चेक करना है। एग्जाम्पल ये देख सकते रहेंगे, हमारा जो दो वायर है हाई प्रेशर का वायर है, इसको हमें चेक करने के लिए ये दोनों वायर पर हम कंटिन्यूटी लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते रहेंगे ये हाई प्रेशर है, इस पर हम जब कंटिन्यू लगाएंगे तो अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, इसमें हमें कंटिन्यूटी बताएगा, यानी कि गैस जो करा जो है इसमें हाई प्रेशर नहीं है। एग्जाम्पल अभी हमारा नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, स्टैंड बाई है, तो ये हाई प्रेशर नहीं है, हाई प्रेशर पर ये नहीं रहेगा तो कंटिन्यूटी इस पर शो करेगा। यहाँ पर देख सकते रहेंगे कंटिन्यूटी इस पर शो करेगा हाई प्रेशर पर। अगर हाई प्रेशर रहेगा इसमें ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, जब 400 के ऊपर प्रेशर इसमें आ जाएगा तो ये यहाँ पर ट्रिप कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रिप कर देगा, ये हमारा मैनुअल रिसेट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये बटन्स दिया हुआ है, ये देख सकते हैं ये जो बटन्स है इसको हम दबाएंगे, हाई प्रेशर हो गया है तो यहाँ पर रिसेट करेंगे, इस तरह से दबाएंगे तो रिसेट हो जाएगा। ये मैनुअल है, इसको जब तक यहाँ से दबाएंगे नहीं तब तक रिसेट नहीं होगा। अगर हाई प्रेशर पर चला गया है ये स्विच को हमें यहाँ पर दबाना होगा इस तरह से, तब जाके रिसेट होगा, कंटिन्यूटी आपस में सर्किट जो है ज्वाइंट हो जाएगा, पावर पास होगा आगे। यानी कि यहाँ पर जो जब तक ये ट्रिप रहेगा यहाँ से कट ऑफ रहेगा तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा आपस में, तो हमें उस कंडीशन में चेक करना है। या तो इसको हम रिसेट करके चेक कर लेंगे यहाँ से, और रिसेट करके ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं ऑन होता है इसका मतलब ये ख़राब है, ये प्रेशर स्विच ख़राब है। उसी तरह से सेम जो है एलपी स्विच आता है, एलपी स्विच में इसमें इस तरह से नहीं फंक्शन दिया हुआ है, एलपी स्विच जो है उसमें इस तरह से नहीं दिया हुआ है। जैसे कि हम डायग्राम में दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग ये देखिए एलपी स्विच जो है इसमें जो है मैनुअल ही है, ये ऑटोमेटिक है, एचपी दिया हुआ है, इसमें सीधा वायर है, इसमें कुछ नहीं है। तो यानी कि एचपी स्विच है उसमें रिसेट करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं मैनुअल, और एलपी स्विच है वो ऑटोमेटिक है। तो आपने समझा एलपी स्विच और एचपी स्विच किस तरह से वर्क करता है। चेकिंग करने के लिए भी एलपी स्विच है, एलपी स्विच पर जो है हमारा गैस एकदम लो हो जाएगा, गैस जो हमारा लो रहेगा, या एग्जांपल हम इसको बाहर निकाल देंगे जिसमें जो भी लाइन पे लगा हुआ है इसमें सिस्टम में हमारा गैस भरा हुआ है, अगर एक सिस्टम में गैस कम हो जाएगा, गैस नहीं रहेगा तो एलपी स्विच हम यहाँ पर चेक करेंगे। एलपी स्विच का जो ये ब्लू वायर दो वायर है, ये ब्लू वायर दो वायर देख सकते रहेंगे यहाँ पर आ रहा है, तो एक कॉन्ट्रेक्टर कॉइल को जा रहा है, यहाँ पर हमें पावर नहीं शो करेगा, यानी कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, ये एलपी स्विच है अगर गैस लो रहेगा तो कंडीशन में हमारा गैस हम चेक कर लेंगे, गैस हमारा कम रहेगा क्या है उसमें गैस डालेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी शो करेगा, ऑन होगा। अगर नहीं शो करता है, गैस रहने पर भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा एलपी स्विच ख़राब है, उसको हम रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे, उसको रिपेयर नहीं कर सकते ज़्यादातर, हम उसको चेंज ही करते हैं। तो ये हो गया इसका चेकिंग वगैरह हो गया है इसका, लेकिन हमें एक डायग्राम दे सकते हैं इसमें पावर आता है जाता है कैसे, कहां से कौन सा वायर कहां पर जाता है, ये हम आप लोगों को समझा देते हैं, दिखा देते हैं। एग्जांपल के लिए आप लोगों को हम डायग्राम दिखाते हैं जिससे आप लोगों को आसानी रहेगा समझने में, क्योंकि यहाँ पर ये जो वायर आ रहा है ज़्यादा वायर है, इसमें आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता रहेगा या कन्फ्यूज समझ में नहीं आएगा, तो एक बार हम डायग्राम दिखा देते हैं फिर आपको आसानी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा Y1 Y2 ये हमारा जो है ब्लू कलर का वायर आ रहा है, ये ब्लू कलर का वायर जो हमारा आता है यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लैक कलर हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं Y1 ब्लू और ब्लैक, यहाँ पर देख सकते हैं येलो और ब्लू, ये दो देखते रहे हमारे हाथ के पास में, ये हमारा येलो और ब्लू है, ये येलो ब्लू हमारा यहाँ पर आता है, तो येलो वायर जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसमें पावर आगे नहीं जाता, हमें जाता है यहाँ पर ब्लू वायर जाता है। ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं, जो कनेक्टर्स जो हमारा कंट्रोल में रहते हैं, इसका आप केयर मत कीजिए, एग्जांपल वायर समझ लीजिए, यहाँ से वापस से जाता है ग्रे वायर हो जाता है, यहाँ पर जैसे ब्लू ब्लैक आ रहा है तो ये वायर जो हमारा ग्रे कलर हो जाता है, ग्रे कलर का वायर आता है, यहाँ पर देख सकते रहेंगे ये ऑप्टिमस, यहाँ पर देख सकते हैं HPS, LPS यानी कि हाई प्रेशर स्विच है, फैन प्रोटेक्शन स्विच है, और ये LP लो प्रेशर स्विच है, यहाँ पर देख सकते हैं वापस HPS हाई प्रेशर स्विच, FPT फैन प्रोटेक्शन स्विच है, और यहाँ पे LPS
लो प्रेशर स्विच है, यानी कि ये तीन जो है आपस में, ये हमारा कैरियर का मॉडल है एसी है, इसमें जो तीन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर लग गया है। लेकिन ज़्यादातर आपको ये आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर ये वायर आप सीधा दे सकते रहेंगे जो हमारे एच पी एल पी स्विच आता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्लैक वायर, या कि एक पावर हमारा इन हो रहा है, दूसरा आउट हो रहा है ब्लैक वायर, वही ब्लैक वायर जो है हमारा यहाँ पर कॉमन हो जाए ज्वाइंट, यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर ज्वाइंट हो जा रहा है ये एल पी स्विच का, फिर वापस एक सीरा जो यहाँ समर आ रहा है कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर के लिए आ रहा है। यहाँ पर देख सकते रहेंगे यहाँ से एच पी स्विच से निकला तो यहाँ पर सीरीज में ही है सब इसका, देख सकते सीरीज में ही लगा हुआ है। यहाँ से आता है हमारा कॉन्टेक्टर को, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर को आता है, और कंप्रेसर कॉन्टेक्टर को यहाँ पर जो है फेस आता है न्यूट्रल वायर जो आता है हमारा, यहाँ पर देख सकते रहेंगे न्यूट्रल वायर जो आता है ऑलरेडी यहाँ से ट्रांसफार्मर से होकर के सब में बॉडी के साथ जो है यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही दिया रहता है। सिर्फ हमारा फेस वायर जो रहता है यही हमारा एच पी एल पी स्विच से कंट्रोल होकर के आता है इस तरह से। तो इस तरह से इसका डायग्राम रहता है एच पी एल पी स्विच का, आप चेक कर सकते रहेंगे। चेक करना है तो एच पी स्विच है यहाँ पे, ये दोनों वायर है आपस में हम चेक करेंगे, या तो आप यहाँ पर अगर कंट्रोल में नहीं जा पा रहे हैं, एग्जाम्पल हम आप लोग को बता दें, कभी भी आप इस तरह से कंट्रोल वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, या आपको चेक करना है कंटिन्यूटली डायरेक्ट वगैरह चेक करना है हमारे एच पी स्विच सही है एल पी स्विच सही है, आपके पास नहीं कुछ समझ में आ रहा है, नहीं वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वायर को कट करिए, यहाँ पर आपस जो वायर कट करिए, या तो आप देख लीजिए इस तरह से कनेक्टर्स वगैरह रहते हैं ज्वाइंट वगैरह रहेंगे, वो ज्वाइंट है आपको आप ज्वाइंट है तो वायर को आप क्या करिए आपस में जो सीरीज में ज्वाइंट रहते हैं आपस में यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपस में जो है शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे ये जो वायर हमारा जा रहा है एच पी एल पी स्विच है, अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पर एच पी स्विच है, ये है ब्लैक कलर का वायर आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हमें क्या करना है कट करके आपस में शॉर्ट कर देना है, आपस में शॉर्ट कर देंगे डायरेक्ट हो जाएगा, इससे हमें मालूम चलेगा ये खराब है। अगर डायरेक्ट आप चेक करना चाहते हैं, अगर ये सिस्टम खराब हो गया आपके पास एच पी एल पी स्विच नहीं है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट करके कुछ टाइम के लिए चला सकते हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट करके आप उस टाइम के लिए चला सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चलेगा। लेकिन इस पर प्रॉब्लम यही है, अगर आपका कंडेंसर फैन वगैरह सब कुछ सही है, कॉइल वगैरह सही है, गैस वगैरह सही होना चाहिए वो कंडीशन में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट करके भी चला सकते हैं, कंट्रोल अगर आपके पास एच पी स्विच नहीं है, एच पी एल पी स्विच नहीं है, तो इस तरह से चला सकते हैं। तो ऐसा करता है आपको जरूर कुछ सीखने को मिला रहेगा, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, किसी और इसी तरह से हम वीडियो बनाएं तो आपके पास भेज सके, आप भी सीख सके, देख सके। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।